वेलकम है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, ये क्लास 8 का वीकली टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड। तो ये 30 सितंबर 2023 यानी कि आज ही ये पूछा जाएगा, यही टाइप इसी टाइप का क्वेश्चन देख सकते हैं आप। टोटल आपका समय 75 मिनट है, ये साइंस का है क्लास 8 का, और टोटल कुल मार्क आपका 40 मार्क का है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या क्या होगा। पहला क्वेश्चन है दहन के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन ए में है दहनशील पदार्थ, बी में है वायु, सी में है ज्वलन ताप, डी में है ये तीनों। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों, क्योंकि तीनों जरूरी है तभी जलेगा कोई भी पदार्थ। दूसरा प्रश्न है बिजली उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है O2, बी में है CO2, सी में है H2O, डी में है CNG। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2। CO2 में क्या है, बुझ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा प्रश्न है सामान्यतः अग्निशामक यंत्र का रंग कौन सा होता है। ऑप्शन ए में है नीला, बी में है लाल, सी में है बैंगनी, डी में है काला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल इसका। उसके बाद चौथा प्रश्न है ज्वाला सबसे बाहरी क्षेत्र अर्थात अदीप्त नीला क्षेत्र का ताप कैसा होता है। ऑप्शन ए में है निम्न, बी में है उच्चतम, सी में है बराबर, डी में है शून्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, उच्चतम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पांचवा नंबर, ज्वाला का मध्य भाग अर्थात दीप्त क्षेत्र कैसा होता है। ऑप्शन ए में है चमकीला, बी में है नीला, सी में है काला, डी में है सफेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमकीला। नंबर छः का क्वेश्चन है ऊष्म्यमान को किस मात्रक के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, kJ/kg यानी कि किलो जूल पर केजी होगा। सातवां प्रश्न है एक आदर्श ईंधन की क्या शर्तें होती है। तो इसका ऑप्शन ए में है अधिक ऊष्मा उत्पन्न करना, बी में है आसान संग्रह करना, संग्रह सी में सस्ता सुलभ, डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आठ नंबर का क्वेश्चन है विश्व उष्णता का प्रमुख कारण क्या है। ए में है O2 की मात्रा बढ़ना, बी में है CO2 की मात्रा बढ़ना, सी में है H2O की मात्रा बढ़ना, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 की मात्रा बढ़ना। नौ नंबर का क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड जब वर्षा जल में घुलते हैं तो वह वर्षा क्या कहलाती है। ए में है अम्ल वर्षा, बी में है क्षारीय वर्षा, सी में हिम वर्षा, डी में ओलावृष्टि। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल वर्षा, एसिड रेन जिसको बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का है, देखिए आग के खतरे में भारत का कौन सा स्थान है। ए में है पांचवा, बी में है दूसरा, सी में 12वां, डी में है 6ठा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5वां। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।